इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड, क्या भाई ध्यान से सुनो, कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है मटेरियल्स को मैग्नेटिकली? थ्री कैटेगरीज। तो बेटे इन थ्री कैटेगरीज का अंदर हमें कौन कौन से नाम आते हैं और क्या क्या बोलेंगे उनको, वो हम लिख लेते हैं पहले, फिर हम आगे देखेंगे। शाबाश। एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेती है। किसी बच्चे ने मैग्नेट देखा हो या नहीं देखा हो, उसको मैं सब कुछ दिखाऊंगा आज टेबल पर, ठीक है? तो एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जैसे ही वो चुंबक के पास हो जाएंगे तो चुंबक उसको अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है? और एक ऐसे होते हैं बेटे जो थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड। एक कौन से होते हैं? वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर कोई ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड बाय मैग्नेट हो? स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड। तो अभी तक ऐसा कुदरत में कोई भी सबस्टांस नहीं पाया गया जो चुंबक के द्वारा पूरे जोर से परे धकेला जाए, ऐसा कोई नहीं पाया गया बेटे। तीन ही तरह के पाए गए जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब सभी बच्चे ये भी याद रखेंगे कि इनको कहते क्या क्या है बेटे। जो तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत जोर से अट्रैक्टिव होते हैं, चुंबक के पास आते ही चुंबक से चिपक जाते हैं एकदम से, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है बेटे? नोट कर लो। और जो थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। और जो थोड़े बहुत रिपेल होते हैं उसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक, DIA, डाया मैग्नेटिक। कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर कुछ मटेरियल ऐसे भी तो होते हैं जिनके ऊपर चुंबक का असर ही नहीं होता, ना वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, अगर तुम्हारी बात को लिया जाए तो मैं ये कहूंगा कि मटेरियल्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं बेटे जिनके ऊपर चुंबक का असर पड़ेगा। और दूसरे कौन से हो सकते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ध्यान से देखो इधर टीचर ने क्या कर दिया, टीचर ने दुनिया के सारे मटेरियल्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन से? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिनके ऊपर चुंबक का बिल्कुल भी असर नहीं होएगा, और दूसरे वाले कौन से? जिनके ऊपर चुंबक की क्लोज प्रेजेंस का असर जरूर होएगा। और जो जिनके ऊपर चुंबक की प्रेजेंस का असर होता है, प्रभाव पड़ता है, उनको आके थ्री कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। दो जिनके ऊपर टीचर ने ग्रीन टिक कर दिया, ये दोनों तो अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की तरफ, और जिनके ऊपर टीचर ने स्टार कर दिया ये चुंबक से परे भागते हैं बेटे, ठीक है? अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे
कि सर आप इनकी एग्जाम्पल्स दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ। दुनिया में तीन मटेरियल ही ऐसे हैं जो चुंबक की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, और उनके नाम याद रखना है सभी बच्चों ने, आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैं बताना चाहूंगा वैसे ये तीनों ही मेटल्स होती हैं, अलग अलग मेटल्स, आयरन, कोबाल्ट और निकल। सिर्फ ये तीन मटेरियल हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और चुंबक की तरफ बहुत जोर से खींचे जाते हैं। और जो मैग्नेट जो चुंबक की तरफ थोड़ा बहुत खींचती है, जैसे कि नाइट्रोजन, और जो चुंबक से परे भाग जाते हैं, जैसे कि टेबल साल्ट। तो आज हम ये देखते हैं कि चुंबक ने इन सबस्टांसिस को तीन कैटेगरीज में बांट लिया। समझदार बच्चे ने नोट भी कर लिया होगा, लेकिन चुंबक देखने में कैसी होती है ये भी तो पता लगे, फिर वो करती कैसे है काम ये भी तो पता लगे। तो वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं बेटे। क्या ये वाला पेज मेरे बच्चों को समझ आया? प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यस। इफ यस रेज योर राइट हैंड। यह वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे खास बात, इन तीन वर्ड्स को बिल्कुल नहीं भूलना आपने, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेट। ओके, अब मैं आगे जा रहा हूं बेटे, इसको इरेज करने लगा हूं। क्या बात, सर 2 मिनट। 2 मिनट लिखना है? हाँ, ऐसे कोई बच्चा मेरे को बता दिया करे। प्लीज हरी अप। अब हम देखेंगे इसके बाद कि एक मैग्नेट कैसी होती है, उसकी शेप क्या क्या हो सकती है, और जब हम इसको मार्केट में लेने जाएं तो किस तरह की दिखती है ये। राइट बेटे, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अगला हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे इसके बाद, मैग्नेट शेप्स। मैग्नेट शेप्स, शाबाश। एवरीबॉडी, मैग्नेट शेप्स। तो इनमें से बेटे एक मैग्नेट होती है ऐसी, जिसको हम बार मैग्नेट के नाम से बोलेंगे, और वो दिखने में कैसी होगी, लेट मी टेल यू। दिखने में इस तरह से होगी वो। आपको पता है जब आप कुल्फी खाते हो तो उसमें से एक कुल्फी का नाम होता है ऑरेंज बार, आपने जरूर सुनी होगी, क्योंकि चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। सो देखो, इसमें मैग्नेट को जब मार्केट में खरीदने जाओगे आप, तो एक पोर्शन इसका रेड होगा बेटे। कौन सा होगा? रेड। और एक पोर्शन इसका उन्होंने ब्लू करा हुआ होगा, ब्लू। राइट, जो ब्लू पोर्शन होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। साउथ, एस स्टैंड्स फॉर साउथ। साउथ मतलब व्हाट? साउथ पोल। पोल क्या होता है अभी बताता हूं। और जो रेड पोर्शन है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स पोल। और इन दोनों को मिलाकर हम मैग्नेट कहेंगे। अभी मैं इसको दिखाऊंगा अभी ये कैसे होती है। कोई बच्चा मेरे से पूछ ले, सर पोल क्या होता है? पोल, पोल क्यों वर्ड लगाया आपने? देखो बेटे, जहां भाई हम चुंबक रखेंगे उसका अपने इर्द गिर्द सबसे ज्यादा उसका अपने, कलर दिख नहीं रहा। हाँ कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूंगा। रेड तो दिखाना पड़ेगा ना बेटे, शो करने के लिए, है ना? एक बार तो दिखाना ही पड़ेगा बच्चे को कि रेड कलर में मिलती है। तो एक बात और,
पोल क्या होता है? पोल इज दैट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड क्या? चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। बच्चा कहेगा सर फील्ड का क्या मतलब? फील्ड का मतलब है मैग्नेट के इर्द गिर्द वो सारा थ्री डायमेंशनल एरिया, ऊपर नीचे आगे पीछे, जिसके अंदर अंदर मैग्नेट अपना प्रभाव शो कर सकती है। किसके ऊपर? जैसे लोहे की कील लेंगे तो उसको खींच लेगी अपनी तरफ। अगर वो लोहे की कील मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, मैग्नेट के। अच्छा बेटे, इसी तरह से एक ये मैग्नेट होती है। शाबाश। अब एक बच्चा कह रहा था कलर, कलर दूसरा दिखा देते हैं हम। देखो बेटे, ये वाला होता है दूसरा मैग्नेट। देखते हैं कौन बच्चा है इसका नाम बता पा। मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप खुद से नाम बता दोगे। शाबाश। हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, और आपने तो टीचर को ही सिखा दिया बेटे। वेरी गुड, यह बनती है बात। मेरे को ही सिखा दिया, वेरी नाइस। तो कर दिया, ऐसे कर दिया कर।